फैसले कर रहे होते हैं, लेकिन उस वक्त अब आप बैचलर्स के स्टेज पे आ गए, इंटरमीडिएट हो गया, फिर बैचलर्स कहाँ से आप निकले? अल्लामा इकबाल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में तशरीफ ले आए और यहाँ हॉस्टल में रहे, आज भी जिस कमरे में रहे इकबाल रूम के नाम से मशहूर है, और जो सबसे मेरिट के ऊपर होता है स्टूडेंट का उसको वो कमरा दिया जाता है मौजूदा लाहौर में। तो हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर आए, यहाँ उनके एक करीबी दोस्त गुलाम मीर नारंग हैं जो उनके क्लास वाले, तो उन्होंने उनका काफ़ी जिक्र किया है उस दौर का अपने मजामीन में। उसके अलावा अल्लामा के दोस्त हिंदू भी थे, सिख भी थे और मुसलमान भी थे, और वो शेर कहते भी थे नहीं भी कहते थे, लेकिन वो अल्लामा इकबाल एक पुरमाद शख्सियत थे एतमाद के साथ। अब अल्लामा ने अरबी पढ़ी, फ़लसफ़ा पढ़ा, और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में भी मुख्य मजामीन में उन्होंने अव्वल पोजीशन हासिल की। उसके बाद वो पंजाब यूनिवर्सिटी में आए, आपने यहाँ कानून भी पढ़ना चाहा, फ़लसफ़ा भी पढ़ा, और पंजाब यूनिवर्सिटी से फ़लसफ़े की डिग्री के बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अल्लामा इकबाल एक टीचर के तौर मुतय्यन हुए। इसी दौरान अल्लामा की एक और शख्सियत थी जिसका नाम था प्रोफेसर आर्नल्ड। आर्नल्ड जो थे वो बहुत मशहूर थे ब्रिटिश ओरिएंटलिस्ट, ओरिएंटलिस्ट हम उनको कहते हैं जो वो अंग्रेज़ जो मशरक़ की तालीमात हासिल करते, ठीक है, ओरिएंटल, और वो जो थे वो अल्लामा को उन्होंने बहुत ज़्यादा उनकी गाइडेंस की। लेकिन अल्लामा ने जब भी आर्नल्ड का जिक्र किया एहतराम के साथ किया, उनके जाने में नज़म भी लिखी लाहौर से, बड़ी खूबसूरत नज़म है, लेकिन अपने खतूत में ये भी कहा कि मैं अंग्रेज़ों की हर बात को नहीं मान सकता, क्योंकि वो जिस तरीके से इस्लाम की किताबें लिखाना चाहते हैं उनके और मकासद, और उन्हें बताया कि मैंने आर्नल्ड की भी ये बात जो है वो नहीं मानी इस लिहाज से, लेकिन आर्नल्ड की इज्जत इसलिए उन्होंने की, लेकिन इज्जत की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उनकी इज्जत की उनकी